सो फ्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा फेडरल और यूनिटरी का डिफरेंस। तो हमने फेडरल में देखा था, फेडरल में स्टेट गवर्नमेंट होंगी, यूनियन गवर्नमेंट होगी, दोनों के स्टेट्स सब्जेक्ट्स स्पेसिफाई होंगे कि किस किस सब्जेक्ट्स पे दोनों लॉ बना सकते हैं। फेडरल के केस में ये देखा था कि वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल दिया था मां, उसका पति और उसके बच्चे। ठीक है, यूनिटरी के केस में देखा था कि वहां सेंटर भी होगा, स्टेट्स भी होंगी, पर दोनों के सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफाई नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके पास हक होगा लॉ बनाने का, बाकी की जो स्टेट्स होंगी वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम करेंगी। जो स्टेट का जो यूनियन का लॉ बना उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह रहेंगे वो। एग्जाम्पल देखा था जैसे कि डीएम होता है, कमिश्नर होता है, एसडीएम होता है, सेंट्रल की स्टेट की जो पॉलिसीज होती है उनको इम्प्लीमेंट करता है, अपनी तरफ से लॉ नहीं बनाता। हालांकि बाय लॉ जो होता है उसको उसी के वो बनाता है, बाय लॉ या फिर छोटे छोटे ऑर्डिनेंसेस जो पास करता है वो फंक्शन करता है डीएम, बट मेनली उसका काम जो होता है वो सिर्फ काम होता है जो सेंटर का जो काम, जो सेंटर की पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करना। आगे देखते हैं यूनिटरी और फेडरल का। जो हमारी फेडरल होती है, फेडरल गवर्नमेंट में चेंजेस होते हैं इतने आसानी से नहीं होते। चेंजेस इतने आसानी से क्यों नहीं होते, इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां पर देखो मां थी कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पति था यूनियन और इसके बच्चे थे स्टेट। ठीक है, अब कोई चीज हो सकती है वो यूनियन को तो अच्छी लग रही है पर स्टेट को अच्छी नहीं लग रही, तो दोनों की सहमति जो है वो जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे जीएसटी काउंसिल बना, जीएसटी बिल पास हुआ, सेंटर ने भी पास करा यूनियन ने और उसको एग्जीक्यूटिव ने भी पास करा, तो उसमें क्या हुआ, उस केस में यह हुआ कि यूनियन के द्वारा पास किया गया और उसके बाद स्टेट के द्वारा पास किया गया। ठीक है, यहां पे मोर देन हाफ यानी सिंपल मेजोरिटी से लेने के बाद ही उसको जीएसटी को पास किया गया। क्लियर हो गया, तो इसलिए यहां पर इसको करना इतना आसान नहीं है। क्यों, कि यहां पर स्टेट का रोल भी है और यूनियन का भी रोल है, आपस में दोनों की जब सहमति होगी तभी आप बदलाव कर सकते हो। बट इसके केस में क्या है, अमेंडमेंट इज इजीली कैरीड आउट, बहुत आसानी से इजीली। क्यों, क्योंकि सेंटर हुआ या फिर स्टेट हुआ, जो सारा हक है वो कैसा हक है कि एक नया लॉ बनाओ उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दो। तो कोई प्रोविजन ऐसा पुराना कोई फॉलो करने के लिए कुछ है नहीं, जब भी कुछ बदलाव लेके आना है एक पन्ने पे लिखो उसको जोड़ दो। ठीक है, इसीलिए यहां पर ये समय आपको समझाया पहले रिटन अनरिटन में, अगर आप कोई नया कोई व्यक्ति जोड़ा है तो उसको पुराने वाले को देख ले तो समझ में आ जाएगा पन्ने का मतलब क्या है। तो इसलिए यहां पर इजीली हो सकता है, इवन सेंटर हुआ, सेंटर ने जो लॉ बनाया वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा, और अगर सपोज करो स्टेट कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है उसमें थोड़े बहुत बदलाव करना चाह रहा है तो वो भी बहुत आसानी से कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी गवर्नमेंट में वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर स्टेट या सेंटर दोनों ही बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कि यहां पर हमारा टैक्स स्ट्रक्चर में पूरा बदलाव हुआ था सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में, तो स्टेट की मंजूरी चाहिए थी, यूनिटरी गवर्नमेंट की यानी कि सॉरी यूनियन गवर्नमेंट की मंजूरी अप्रूव चाहिए था, तो दोनों का बहुत बड़ा कंबरसम प्रोसेस था उसको फॉलो करना और उसका निचोड़ निकल के आना बहुत एक हैवी मेजोरिटी चाहिए थी। बट यहां ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेजोरिटी नहीं, बड़े आसानी से हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट डिफरेंस कि यहां पर फेडरल में क्या है, क्योंकि देखो स्टेट जो है वो सेपरेट है, उनके सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन के सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं, तो इंडिपेंडेंस एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, वरना इन दोनों पर चेक कौन रखेगा, कोई रखने वाला है ही नहीं, ये अपने मन की करेंगे, ये अपने मन की करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर ये मां है, ये अपने पति को भी देखे तो कहां भाग रहे हो, कहां जा रहे हो, ठीक है, इतनी रात को लेट क्यों आ रहे हो। ठीक, बच्चों को भी ज्यादा उदमबाजी करेंगे तो गाल वाल पे थप्पड़ मारेंगी मां, डांटेगी, तो दोनों पे चेक कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बॉडी बना दी यहां पर, वो उसका नाम था जुडिशरी। ठीक है, अब जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी इसको भी चेक करेगी और इसको भी चेक करेगी, अगर इन दोनों में कभी झगड़ा हुआ, जैसे पिता में और बाप में कभी, मतलब बच्चे में और पिता में कभी होता है ना, मतलब उदमबाजी कर दी, पिताजी ने आके लगा दी चार पांच थप्पड़, अब बच्चा धुआंधार रोआ जा रहा है, तो फिर माँ आती है, अरे सुनो जी रहने दो बच्चे को, इतना मत मारो अभी छोटा है। तो यहाँ पर जुडिशरी करेगी अगर कोई गड़बड़ हो रहा होगा सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, कोई झगड़ा होगा या फिर दो स्टेट के बीच में, दो बच्चों के बीच में आपस में लड़ाई होती है भाई बहन के उसमें, तो माँ आके बीच में रोक रखाव करती है ना कि
आपस में मत लड़ो, तेरे को टॉफी दूंगी तेरे को चॉकलेट दूंगी, और ज्यादा उदमबाजी करती है तो गाल पे थप्पड़ मार दे, रहे देख मैंने उसे मार दिया अब तू खुश हो गया। तो इस तरीके का काम जुडिशरी का करेगा, आर्बिट्रेटर ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है पहली चीज, उसके पास वाइड पावर है, वो इन दोनों के बीच के झगड़े को सॉल्व करती है या फिर इन दोनों के बीच के झगड़े को सॉल्व करती है या फिर ये कुछ गलत करते हैं या ये गलत करते हैं तो उसमें उसका रोल होता है उसको सही करने का। अब आ जाते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, जुडिशरी इज नॉट सो पावरफुल, वहां की जो जुडिशरी होती है वो जुडिशरी जो है वो पावरफुल नहीं होती है, ठीक है, जुडिशरी के पास कोई पावर ही नहीं है, तो इस वजह से मतलब पावर थोड़ी बहुत होती है, इतनी पावर नहीं कि जैसे इसके पास पावर है, ऐसी पावर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जुडिशरी ने सपोज करो कुछ डिसीजन दिया तो सेंटर क्या करेगा या फिर स्टेट क्या करेगा, दोबारा से एक नया लॉ बनाएगा और जो जुडिशरी का डिसीजन है उसको ओवर पावर कर देगा, ठीक, यानी फिर इसका डिसीजन माना जाएगा लेजिस्लेचर का और इनका डिसीजन नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से जुडिशरी का ज्यादा रोल नहीं रहता। समटाइम्स कांट ओवरटर्न लेजिस्लेचर एक्शन और इवन एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी के पास इतनी पावर भी नहीं होती कि अगर लेजिस्लेचर ने मतलब लॉ कुछ बनाया और वो लॉ भी गलत है तो उसको जुडिशरी चेंज नहीं कर सकता। क्यों, अगर सपोज करो उसने चेंज करा तो लेजिस्लेचर फिर दोबारा लॉ बना देगा, ठीक है। जैसे एनजेसी का केस था, सपोज करो ये यूनिटरी गवर्नमेंट में एनजेसी वाला केस आता तो लेजिस्लेचर ने बनाया एनजेसी, जुडिशरी ने उसको कर दिया खत्म, नल एंड वॉइड कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, रिपील कर दिया उसको। पर क्या करता है लेजिस्लेचर, फिर दोबारा एक लॉ बना देता, जो जुडिशरी ने डिसीजन दिया था उसको फिर वो घटा देता, उसके ऊपर एक नया लॉ आ जाता, फिर फिर जुडिशरी कुछ करता फिर उसके ऊपर एक नया लॉ बना देता। यहां पर हो सकता है, वो यहां भी सकता है, बट यहां पर जो नेक्सस होती है आपस में, मतलब नेक्सस तो गलत वर्ड है, यहां पर जो आपस में समझदारी है तालमेल है वो ज्यादा अच्छा होता है, बट यहां पे थोड़ा पब्लिक ओपिनियन आ जाता है ना, इस वजह से डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव के एक्शन तक को भी जुडिशरी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता, इसलिए जुडिशरी यहां की जो होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से ये हमारा लेजिस्लेचर और यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों का क्या तालमेल है और किस तरीके से हम यूनिटरी गवर्नमेंट जो होता है उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती, वहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वहां पर रिटन और अनरिटन दोनों चल सकते हैं। तो ये सारी चीज हमने मतलब अब तक कवर कर चुके हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट करे सारे हमने। अब एक कंसेप्ट और रह गया है, वो रह गया है कि टू वीकनेसेस ऑफ फेडरलिज्म, रिजिडिटी एंड लीगलिज्म, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक।